क्या कह रही है सोसाइटी से, कृपया ध्यान से सुनिएगा। कविता का शीर्षक है मुझे मंजूर नहीं। घी बिन रोटी खाना, घी बिन रोटी खाना है मंजूर मुझे, सिक्कों में तौली जाना मंजूर नहीं, सिक्कों में तौली जाना मंजूर नहीं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डाउरी एक सिस्टम होता है जो बहुत ही बेकार है, लेकिन हमारी सोसाइटी में फिर अब भी रेलेवेंट है, तो इससे ये संबंधित है। घी बिन रोटी खाना है मंजूर मुझे, सिक्कों में तौली जाना मंजूर नहीं, बिन भाई के ही रह जाना है मंजूर मुझे, बिन भाई के ही रह जाना है मंजूर मुझे, गाली वाली बहन होना मंजूर नहीं, गाली वाली बहन होना मंजूर। सारे रिश्तों को तोड़, सारे रिश्तों को तोड़ अलग हो जाना है मंजूर मुझे, खोखले रिश्तों की आंच में तपना मुझे मंजूर नहीं, खोखले रिश्तों की आंच में तपना मुझे मंजूर नहीं। ताउम्र अकेली रह जाना है मंजूर मुझे, ताउम्र अकेली रह जाना है मंजूर मुझे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई लेडी अकेली रहती है या उसकी शादी नहीं होती या तलाकशुदा होती है या विधवा हो जाती है, तो उसके प्रति बहुत सारे स्टिग्मा हो जाते हैं सोसाइटी के, तो उसके लिए एक लड़की यही कह रही है। ताउम्र अकेली रह जाना है मंजूर मुझे, सूरत के लिए अपनाई जाना मुझे मंजूर नहीं, सूरत के लिए अपनाई जाना मुझे मंजूर नहीं। खुशगवार हवाओं का रुख मोड़ना है मंजूर मुझे, खुशगवार हवाओं का रुख मोड़ना है मंजूर मुझे, हंसी हंसी में अपने आदर्श तोड़ना मुझे मंजूर नहीं, हंसी हंसी में अपने आदर्श तोड़ना मुझे मंजूर नहीं। साथ चाहो मेरा घर तुम, साथ चाहो मेरा घर तुम, साथी बनना है मंजूर मुझे, पर तुम्हारे स्वार्थ का साधन बनना मुझे मंजूर नहीं, पर तुम्हारे स्वार्थ का साधन बनना मुझे मंजूर नहीं। बिन पायल कंगन चूड़ी के रह जाना है मंजूर मुझे, बिन पायल कंगन चूड़ी के रह जाना है मंजूर मुझे, सोने चांदी के लालच में अपना सम्मान गवाना मुझे मंजूर नहीं, सोने चांदी के लालच में अपना सम्मान गवाना मुझे मंजूर नहीं। अपने हाथों से अपना घर बनाना है मंजूर मुझे, तुम्हारे कर्ज का नमक खाना मुझे मंजूर नहीं, तुम्हारे कर्ज का नमक खाना मुझे मंजूर नहीं। लास्ट दो लाइंस बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी सोसाइटी के ड्यूअल नेचर को दिखाता है। यही माँ का मंदिर भी, यही माँ का मंदिर भी और यही माँ की गाली है, ऐसे दो चेहरे इस संसार के मुझे मंजूर नहीं, ऐसे दो चेहरे इस संसार के मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर।